ओम शांति। ऐसा माना जाता है, कुछ उस पर रिसर्च भी हुए हैं, मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर कोई कार्य को व्यक्ति 21 दिन तक लगातार करता रहे तो वो उसकी आदत बन जाती है। और मेडिकल साइंस ये कहता है कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू थिंक एंड से। और वो एक ही चीज को रिपीटेडली मिनिमम 21 दिन करने से हमारे ब्रेन में वो चीज को करने का एक न्यू न्यूरल पाथवे बन जाता है। अर्थात माय ब्रेन विल हेल्प मी पोस्ट 21 डेज टू डू द सेम थिंग वेरी इजीली। तो इस सुंदर से संगम पे हम अपने आप के साथ ये प्रण करें कि 21 दिन के लिए एटलीस्ट मैं अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन, आज एक दिन के लिए नहीं, न्यू ईयर्स ईव के लिए नहीं, पर 21 डेज मिनिमम, और उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उस संस्कार को आपको स्ट्रांग बनाना है तो मे बी 41 डेज। तो 21 डेज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, सबके साथ प्यार से रहूंगा। 21 डेज मैं मुस्कुरा कर सबके साथ मिलूंगा। 21 डेज आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। 21 डेज उठते ही साथ में परमात्मा को याद करूंगा। 21 डेज रात को सोने के पहले मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूंगा, गॉड को धन्यवाद दूंगा। 21 डेज आई ईट हेल्दी, और क्या कहूंगा, सात्विक भोजन। 21 डेज आई विल ओनली थिंक पॉजिटिव। 21 डेज कम व्हाट मे द डिफिकल्ट चैलेंजेस ऑफ माय लाइफ आई विल नॉट लेट गो द एक्सपीरियंस ऑफ peace, happiness, confidence. 21 days, मैं अपनी आंतरिक शक्ति, आंतरिक स्थिति, स्व की स्थिति में रह करके हर कार्य करूंगा. Believe me, friends, 21 days, 21 weeks, हम ऐसा ही एक अच्छे पॉजिटिव संस्कार को लेकर उस पे बार बार कर्म करें. Wishing you a very happy, a very prosperous, very healthy, very safe, very hopeful the days ahead. Thank you. Om Shanti.